दोस्तों नमस्कार, मैं पी नहीं। तो दोस्तों लगातार आप लोगों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं, उसके बाद ये वीडियो डालने के लिए मैं एक तरह से तैयार हुआ हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अब संगठन के संयोजक और अध्यक्ष और है और उनकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। लेकिन जब लगातार आपके कॉल और मैसेज, आपकी पीड़ाओं को देखते हुए मैंने अधिकारियों से बात करने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को बीच में आना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बड़ी आस है। हालांकि लॉकडाउन चल रही है, मैं खुद भी घर पर मौजूद हूँ, लेकिन इस वीडियो में LDC भर्ती 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया, सेकेंड ग्रेड भर्ती 2018, RS भर्ती 2018 की कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके अलावा जो कृषि प्रेक्षक है, महिला सुपरवाइजर है, प्रयोगशाला सहायक है, LDC भर्ती 2013 317 पद वाला मामला और 587। इनके अलावा और भी भर्तियों का जो मामला, उसका वीडियो मैं कल डालूंगा, लेकिन फिलहाल इन भर्तियों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूँगा। इससे पहले जब 4 तारीख को मैं जयपुर गया था LDC 2018 के जो आदेश करवाने के बाद, मैंने CM सचिव से बात की थी। CM सचिव साहब ने मुझसे कहा था कि तमाम जो भर्तियाँ लंबित हैं उनके जितने भी आप हैं मुझे मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। तो दोस्तों आपके सामने में जो आप लोगों ने मुझे जितने भी आपकी भर्तियों से जितनी लंबित भर्तियाँ हैं उससे संबंधित जो मुझे जितने भी ज्ञापन प्राप्त हुए, मैंने लेटर पैड पे 2 दिन तक मेहनत करके एक्सरसाइज करके मैंने लिखकर CMO तक पूछाया। मैं खुद जयपुर जाके 16 तारीख को जयपुर जाके मैं खुद देख के आया, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर मीटिंग की, और उस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि इन भर्तियों को समय पर पूरा किया जाएगा। दोस्तों जो काम करना है सरकार को करना है, जो काम करना है माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। मैं केवल एक माध्यम हूँ, मैं आपकी आवाज़ उपलब्ध कर सकता हूँ, आपकी आवाज़ उठा सकता हूँ, मीडिया चाहे सोशल मीडिया और सरकार तक बात कर सकता हूँ। एक माध्यम हूँ जो मैं इस कोरोना के दौरान भी, चाहे मुझे जयपुर जाना पड़ा हो बीच में, तो मैं गया हूँ, आप लोगों के लिए गया हूँ। पूरी कोशिश करता हूँ कि आप सबको राहत मिले, आप सबको खुशखबरी मिले, क्योंकि आपके साथ आपके माता पिता और परिवार के सपने जुड़े हुए हैं। जितना सहयोग होगा मैं करता हूँ, लेकिन जो हमारे अध्यक्ष जी संयोजक वो भी गाँव गए हैं, जैसे जयपुर आएंगे तो वो एक्टिव होकर आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक प्रवक्ता के तौर पर आपका साथ देता रहूँगा, चाहे मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, और जहाँ मुझे जाना पड़ेगा जितना समय मुझे मिलेगा मैं आप लोगों के लिए कार्य करता रहूँ, सहयोग करता रहूँगा। मैं बात करता हूँ सेकेंड ग्रेड भर्ती 2018 की। दोस्तों 2018 में अभी जो आपके जो RPSC दस्तावेज देते हैं उसकी जांच का कार्य चल रहा है। आज ही मेरी बात हुई है, तो अभी जांच का कार्य चल रहा है। ये जो महीना चल रहा है मई का, इस महीने में एंड तक, इस महीने में जो दस्तावेज है उसका जांच का कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जून महीने में यानी कि मई एंड या जून में आपके मंडल आवंटन होंगे, उसके बाद क्या क्या आदेश होंगे। आप सबको मैं कहना चाहूँगा कि 2018 जो सेकंड ग्रेड भर्ती की अभ्यर्थी है, आप ये ना सोचे, आप अकेले हो। जब भी आप RPSC की बात धरने बैठे तो मैं लगातार आपके बीच में आया था, पूरा साथ दिया था। आज फिर आपसे वादा करता हूँ, यदि लॉकडाउन समाप्त होता है, ये कोरोना महामारी से हमें निजात मिलती है और हम लोग इकट्ठे हो पाते हैं, यदि ये लापरवाही करते हैं तो बीकानेर में फिर वही हमारा धरना चालू होगा, वही मापड़ाव चालू होगा, क्योंकि लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालाँकि थोड़ा सा समय इन्होंने जो निदेशक महोदय हैं उनकी ड्यूटी अभी प्रवासी जो मजदूर है उनमें लगी हुई है, अभी 2-4 दिन वो बिजी हैं संबंध इस मामले को लेकर, लेकिन अभी जो मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि दस्तावेजों की जांच की जा रही है। एक सवाल उठा था कि जो भर्ती जो एक सर्विसमैन जो मामला कोर्ट में निदेशक करके लटकेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि अभी दस्तावेज चेकिंग का काम चल रहा है और उसके बाद आपके मंडल आवंटन होंगे, फिर उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों ऐसे में उन्होंने कहा कि 5-7 दिन जो अब बचे हैं इस महीने में आपके दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे एंड तक, और उसके बाद आपके आवंटन होंगे, मंडल आवंटन होंगे, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया होगी। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड ग्रेड के बाद, अब मैं बात करता हूँ RS भर्ती 2018 की। RS भर्ती 2018 के मामले में मेरी बात हुई दोस्तों, जब पिछली बार जब कोर्ट ने आदेश दिया था, जब उस समय कोर्ट में स्टे था, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग इन OBC और जनरल की कट ऑफ का मामला था, जो WAG साहब राजेंद्र प्रसाद जी थे पिछली सरकार के, उन्होंने कहा था कि हम लोग OBC के अभ्यर्थियों को जनरल की कैटेगरी के उसके बराबर ले सकते हैं, कट ऑफ का उन्होंने शामिल करवाया, उन्होंने ये परमिशन कोर्ट से ली थी। कोर्ट ने उस समय ये कहा था कि कोर्ट की बिना परमिशन बिना फाइनल परिणाम जारी नहीं किया जाए। तो दोस्तों ऐसे में RPSC के एडवोकेट साहब, RPSC की तरफ से पूरी तैयारी है। अब इसमें एडवोकेट सरकार का एडवोकेट जनरल वहाँ प्रार्थना पत्र लगाकर इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करवाकर इस मामले का निस्तारण करवा सकते हैं, लेकिन ये भी निश्चित है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं होगा, हालाँकि RPSC की तरफ से जब एप्लीकेशन लगेगी, क्योंकि इसमें जो पिछली बार जब सुनवाई हुई थी उसमें
जो परमिशन दी गई थी कि आप आगे भी प्रक्रिया शुरू कर सकते हो, लेकिन फाइनल परिणाम बिना कोर्ट की परमिशन नहीं निकाल सकते। उस समय सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता थे, लेकिन इस बार वहीं से एप्लीकेशन लगेगी, तब इस मामले में कुछ रास्ता निकल पाएगा। तो दोस्तों इस संबंध में सीएमओ में बात हुई है, 10 जून की इस मामले की सुनवाई है। आरपीएससी और सरकारी महाधिवक्ता इस मामले में पूरा प्रयास करेंगे कि 10 जून को आरएस वाले को जो आगे की प्रक्रिया, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला होगा उससे पहले तो अभी आरएस 2018 में एंट्री से लेकर कई प्रक्रिया, फाइनल परिणाम आएगा, एंट्री वाक्य आएगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस जब होगा, जब तक तो सुप्रीम कोर्ट से चाहे गरिमा का मामला हो चाहे हनुमान जाट वाला मामला, उसका फैसला हो जाएगा और उसमें भी सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा। तो दोस्तों आपकी बात मैंने मजबूती से रखी है, मेरी वीडियो में आने से पहले मैंने सभी एडवोकेट से बात की है, तो सीएमओ में सचिव साहब से बात की है। तो ऐसे में अब जो 10 जून को सुनवाई प्रस्तावित है उसमें आरपीएससी भी एक्टिव रहेगी, एडवोकेट जनरल साहब भी एडवोकेट रहेंगे। अब आशा है कि जो 10 जून को होने वाली सुनवाई में आपको राहत मिले। मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आरएस प्रति 2018 के लगातार कॉल आ रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहा है और ट्विटर ट्रेंड भी गया था इस संबंध में मेरी बात हुई, लेकिन जो बात निकल के आ रही है कि आरपीएससी एडवोकेट साहब इसमें एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें अब जो प्रार्थना पत्र लगना है, जो पेरिफ करनी है, जो सरकार के महाधिवक्ता की तरफ से वहाँ प्रार्थना पत्र लग सकता है वो भी पेरिफ कर सकता है, साथ में आरपीएससी के एडवोकेट मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो भी कहेंगे हमारी तरफ से पूरा रिजल्ट तैयार है, परमिशन दीजिए, हम आगे की प्रक्रिया रिजल्ट निकाले आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकें। तो दोस्तों सबसे मेरी बात हुई है अब यही है कि 10 जून का इंतजार है, हालांकि 1 जून को जो इनका ऑफिस है एडवोकेट जनरल साहब के 1 जून को खुलेगा, उसके बाद यदि वो प्रार्थना पत्र लगाना चाहे तो 10 जून से पहले सुनवाई हो सकती है, उसके लिए अभी हम कोशिश करें। यदि नहीं प्रार्थना पत्र नहीं लगाते हैं, अर्जेंट में सुनवाई नहीं करते, 10 जून को आपकी सुनवाई प्रस्तावित है, कोशिश ये रहेगी 10 जून को आपको राहत मिले। इसके अलावा दोस्तों जो एलडीसी भर्ती 2018 11322, दोस्तों इसमें कलेक्ट्रेट और भी विभाग जो छोटे छोटे विभाग हैं उनको ज्वाइनिंग जल्दी मिल सकती है, लेकिन जो शिक्षा विभाग वाला मामला है, जो कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं कि इसमें अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। एक पक्ष यह है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा, निदेशक महोदय के द्वारा जिला आवंटन के बाद सभी CDO है उनको सूची भेज दी जाएगी और वही स्कूल का आवंटन करेंगे। एक दूसरा पक्ष यह है कि जिला आवंटन के बाद स्कूल आवंटन का काम भी बीकानेर साथ में करें, तो अभी वो निश्चित होना है, हो सकता है कि वो जिला आवंटन के बाद सभी CDO को आपकी सूची प्रेषित कर दे, वही आपको स्कूल का आवंटन करें। तो दोस्तों कमेटी गठन हुआ, मैंने अभी इस वीडियो में पहले बताया था, निदेशक महोदय जो प्रवासी मजदूर है उस कार्य में उनकी ड्यूटी लगी हुई है, थोड़ा सा वो व्यस्त है, लेकिन अभी तक जो फॉरम जो आपके थे कल तक की रिपोर्ट है, कल तक आपके फॉरम बीकानेर नहीं पूछे थे, वो फॉरम आज कल में बीकानेर पहुंचेंगे, वो लेने आएंगे और उसके बाद आपकी कमेटी बनी, उसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे बड़े पद शिक्षा विभाग में कोशिश ये कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपकी प्रक्रिया भी शुरू हो, चाहे आप जिला मंडल के बाद, चाहे स्कूल साथ आप काउंसलिंग के माध्यम से देनी साथ कराइए, लेकिन ऐसी स्थिति है कि तय करना है कि बीकानेर जाना है या फिर CDO को देंगे, वहाँ आपकी काउंसलिंग होगी, लेकिन यह है कि काउंसलिंग के माध्यम से पारदर्शिता रहेगी, आप लोगों के मतभेद नहीं होंगे। ऐसे में अब ये मेरे हिसाब से अभी फाइनल होना बाकी है, अब वो कर रहे हैं किस हिसाब से करना है, लेकिन फॉरम भी पूछने कल तक तो गए नहीं थे, 1-2 दिन आपके फॉरम पूछे थे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। मैं कोशिश करूँगा माननीय शिक्षा मंत्री से तक बात रखें कि जल्द से जल्द आप लोगों की उनकी प्रक्रिया पूरी हो, और सेकंड ग्रेड वाले की भी मैं साथ में बात करूँगा कि जल्द से जल्द ये कार्य शुरू हो, क्योंकि लगातार शिक्षा मंत्री जी ने अपने वीडियो में बोला है कि हम 9000 को जल्द ज्वाइनिंग देंगे, वो जल्द नहीं आया, उनसे निवेदन करेंगे, अपने जल्द के लिए कहा तो वो जल्द जल्दी आए, चाहे वो LDC भर्ती 2018 के शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के, और दूसरी बात वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2013 का भी मामला चल रहा है जिसमें मुकेश बेनीवाल से कई लोग लगे हुए, तो उन लोगों का भी फैसला जल्द और उन लोगों को भी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। दोस्तों 587 का मामला है, कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। अब इस मामले में जब मुझे पूरी सूची, पूरा जो इनका ज्ञापन तैयार था जिसमें सारी तथ्यात्मक रिपोर्ट थी, मुझे गगन ने सौंपी थी, रमेश ने सौंपी थी, मैंने CEO में खुद ने वो रिपोर्ट दी, उसके बाद मैंने आपको बताया था फाइल पुटअप हुई है, लेकिन अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना था। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि समय मिले, लेकिन मुख्यमंत्री जी भेजिए, जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगा उसके बाद ही मैं स्पष्ट कह पाऊँगा क्या होगा। कोशिश आप लोग भी अच्छी तरह कर रहे हैं, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी आपकी बात मजबूती से रखूँगा, लेकिन जो कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है
क्योंकि कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद यही है कि मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि 587 लोगों को न्याय मिले, क्योंकि उनके साथ वास्तव में गलत हुआ, पद काटे गए, लेकिन कहीं कोर्ट भी ये भर्ती ना छटे। हालांकि जो कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है, मैंने सेम सचिव साहब को व्हाट्सअप कर दिया, उनको अवगत करा दिया क्या कि इसकी वजह से भर्ती नहीं हटके, आप इनके पद बढ़ा दीजिए, इनकी सूची इनकी ज्वाइनिंग के बाद निकाल दीजिए, कहने के किसी को नुकसान नहीं होगा। इसलिए चयनित अभ्यर्थी घबराए नहीं, आपकी ज्वाइनिंग होगी, किस प्रकार की बाधा नहीं आएगी। 587 है, इनका भी रास्ता निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में 587 सही है, मेहनत कर रहे हैं, पद काटे गए, तो कहीं ना कहीं जो विभागीय अधिकारी की लापरवाही, अरे लापरवाही के खिलाफ मैं भी हूँ, यदि फिर भी लॉकडाउन के बाद भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, पद नहीं बढ़ाए जाते हैं, तो ये जो 587 अभ्यर्थियों के साथ जो भी हम निर्णय लेंगे, चाहे हमें अनशन करना पड़े या धरने पर बैठना पड़े, जितना सहयोग होगा मैं इनका पूरा करूँगा, क्योंकि वास्तव में जो लापरवाही है जिसकी वजह से 587 पद कम हुए हैं, उस लापरवाही को उजागर के साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी और 587 पद भी जुड़े। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा, मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में सकारात्मक निर्णय लेते हुए 587 बेरोजगारों को राहत प्रदान करेंगे। लेकिन 2018 के जिस कलेक्टर में जिनको कलेक्टेड मिले हैं और भी जो छोटे मोटे विभाग हैं उनको जल्द ज्वाइनिंग मिलेगी। मेरे हिसाब से शिक्षक विभागवालों के अभ्यर्थियों को भी जल्द से ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए, पूरी कोशिश है कि 11,322 लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। फोरमों के लिए आपको मैंने पोस्ट कर दी थी कि आवेदन जो है सभी विभागों को लिख दिया कि आप ले जाने के लिए, कि मेल कर दिया था कि आप ले जाएँ, तो वो अपने हिसाब से सब जा रहे हैं। कल भी कुछ विभाग के आवेदन को लेके गए, कुछ विभाग आए तो कल भी लेके गए हैं और कुछ आज लेके गए, धीरे धीरे सब लोग वहाँ से फॉर्म लेके जा रहे हैं। जो सभी अधिक आपने देखा होगा कि सभी कई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी, वो इसलिए लगाई थी अलग अलग फॉर्मों, अलग अलग विभाग के फॉर्मों को छटनी करनी थी, वो छटनी का कार्य पूर्ण हो चुका है, अब वो छटनी करके विभागों को सौंपा जा रहा है। इसे में सब लोग अपने अपने विभाग अपने अपने फॉर्म लेके जा रहे हैं, अब उनके ऊपर है कि कब तक जो दिए, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा सीएम में एक बार फिर बात रखकर आपकी जल्द से जल्द जो होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आपकी प्रक्रिया पास हुई है, पूरी जो श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा, LDC 2018 का यूनियन पास प्रक्रिया से जब 3 मार्च को मिला, आज आप हम सब मिले, वो कुछ नजर आए, उसके बाद अपनी प्रक्रिया पास तरीके से हुई है, तो पूरा श्रेय उनको ही है। एक माध्यम था आपकी बात रखने का और आगे भी रखूंगा, कोशिश करूँगा आप लोगों की जल्द से जल्द जो। दोस्तों इसके अलावा कृषि प्रेक्षक, महिला सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक के 3-4 भर्तियाँ भी हैं, आंगनबाड़ी वाली भी है। दोस्तों अभी सुनवाई जो उस दिन नंबर तो आया था, सुनवाई हुई थी लेकिन फैसला नहीं हो पाया। दोस्तों कई बार आप सोशल मीडिया में मुझे पता है कि आप परेशान हो, दुखी हो, लगातार आप लोगों की पीड़ा मैं समझ जाऊँ, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान जज साहब कम सुनवाई कर पा रहे हैं, समय कम दे पा रहे हैं, लेकिन कई फैसले हो भी नहीं पा रहे हैं। हमारे एडवोकेट साहब ने मेरी बात हुई थी, उन्होंने अच्छी तरह बात भी रखी थी, तो उन्होंने आगे की 3 जून की जो सुनवाई की तारीख दी है, कोशिश करेंगे 3 जून को आपका फैसला हो। हालांकि जो प्रश्नों वाला मामला था कृषि प्रेक्षक में, माननीय मंत्री लालचंद कटारिया जी ने महाधिवक्ता राजेश महर्षि को इसमें आपको जल्द से जल्द जोड़ने के लिए उतारा, उनका माननीय लालचंद कटारिया जी कृषि मंत्री का उद्देश्य ये है कि कृषक सहायक कृषि अधिकारी की बात हो चाहे कृषि प्रेक्षक हो, वो कहते हैं कि हम जल्द से जल्द जोड़ देंगे। उनके PS में लगातार बात हो, आपकी जो अभ्यर्थी शक्ति मीणा और भी लोग जो मेरे से जुड़े हैं उनसे मैंने डायरेक्ट बात कर, कोशिश ये है कि जल्द से आप ज्वाइनिंग हो, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने इतना इंतजार किया, मैं प्रयास करूँगा, मैं घर हूँ, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है, और एक बार फिर मैं बीच में जब सुनवाई होगी एक बार सचिव साहब से निवेदन करके ये कहूँगा कि साहब आप एडवोकेट को बोलो कि वो कैसे करके भी आप कोर्ट से इस मामले में स्टेट आए तो चारों भर्तियों का रास्ता खुल सके, चारों भर्तियाँ इसी वजह से अटकी पड़ी है STF मामले से, तो इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों इसके अलावा LDC भर्ती 2013 जो 417 पद है, इस संबंध में मैंने बताया कि दो तीन दिन पहले लेटर लिख दिया गया था फॉरम, क्योंकि पहले डाक के माध्यम से प्राप्त नहीं होते, उन्होंने मुझे यही कहा था, सेम सचिव साहब से मैंने बात की थी, बोले कि हमने ARD विभाग को स्पष्ट कहा है कि इनकी सीनियरिटी का मामला पहले 2013 वालों को देना है, जो लोग 317 के अभ्यर्थी हैं वो सुन रहे हैं, तो आप चाहो तो सीएम सचिव साहब से आप जब भी मिलो, क्योंकि आप भी लगातार मिलते रहते हो, मैंने भी आप लोगों को कई बार मिलाया, जितना सहयोग किया, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, वीडियो होता है ना, रिकॉर्डेड होता है और वो हमेशा आपके पास सबूत के तौर पर होता है, तो मेरी उनसे 2-3 बार बात हुई सीएम सचिव साहब से, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने ARD को बोला है कि पहले इनके सीनियरिटी के मामले इनको ज्वाइनिंग मिलेगी, और जो फोरम के लिए ARD ने उनको RPC को लेटर भी लिख दिया, जल्दी आपके फोरम आएंगे, अब जल्दी आपकी नियुक्ति प्रक्रिया होगी। आप ये ना सोचें कि जो 317 लोग कम हैं उनकी बात मजबूती से नहीं रख रहा, नहीं,
चाहे आपका अश्विनी कुमार हो, चाहे मोहित जी हो, चाहे अभिषेक, उनके लगातार कॉल और मैसेज आते हैं। कई बार तो मेरे घर भी पूछ चुके हैं, मुझे आपकी बात मजबूती से रखिए, मुझे भी खुशी मिलेगी कि आप 7 साल से इंतजार करें, आपको न्याय मिले। तो दोस्तों आपके आपका मामला चल रहा है, आपका काम चल रहा है, जितना सहयोग होगा मैं आप लोगों को करूँगा। इसके अलावा दोस्तों स्टोनोग्राफर का मामला हो रहा है, जो एक भर्ती जिसकी अभ्यर्थना नहीं पूछे, दोस्तों आधे से ज़्यादा विभागों की अभ्यर्थना आ चुकी है कल तक की, मैं आपको बता रहा हूँ, आज का भी है, यानी कि आपका काम चल रहा है, शायद इस वीक या अगले वीक तक आपकी अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड पहुँच सकती है, क्योंकि काम फास्ट चल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इंतजार किया है, मैंने जितना सहयोग हुआ है आप लोगों किया है, क्योंकि आप लोगों की जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू हो, जल्द से जल्द आपकी परीक्षा तिथि जारी हो, क्योंकि तमाम और भर्तियाँ लंबी है, चाहे पटवारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जैन भर्ती हो, चाहे वनरंजन की परीक्षा तिथि जारी हो, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, तो इनकी परीक्षा तिथि जारी हो, जुलाई के बाद ही इनकी परीक्षा आयोजित हो पाएगी, क्योंकि अभी कोरोना महामारी की वजह से आप जानते हो कि भीड़ से सरकार को उद्देश्य है कि भीड़ इकट्ठी ना हो, कहीं कोरोना वापस न पहुंचे, तो ऐसे यही स्पष्ट है कि जुलाई के बाद ही आपकी एग्जाम हो पाएगी। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि मैं कल एक और वीडियो डालूंगा उसमें, इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो जैन भर्ती AN भर्ती मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हुआ, RPSC को स्पष्ट यही है, इस वीडियो के माध्यम से कोई भी अधिकारी यदि मेरा वीडियो देख रहा हो और AN भर्ती के अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा वेट कर लो, कोरोना खत्म हो जाए, ये आपका मामला नहीं है, प्रदेश के तमाम बेरोजगारों को इकट्ठा कर एक बार RPSC का घेराव भी करना होगा, एक बार ताला भी लगाना होगा, क्योंकि वहाँ RPSC की स्थिति खराब हो चुकी है, कोई भी भर्ती का परिणाम समय पर नहीं आ पा रहा। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के अभ्यर्थी वहाँ धरने पर बैठे थे, कभी 2013 वाले हर अभ्यर्थी को वहाँ धरना देना पड़ता, तो RPSC की लापरवाही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि AN भर्ती 2018 का मुख्य परिणाम जारी हो, यदि नहीं करते तो हम लोग जल्द ही RPSC का घेराव करेंगे, हम सब मिलकर एक बार RPSC की बैंड बजाएंगे, क्योंकि जो इनके जो अध्यक्ष है दीपक उत्पेदी जी किसी अभ्यर्थी से भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि लगातार वहाँ जाते हैं, और नहीं उनकी लापरवाही से साफ मेरा आरोप है कि RPSC की शाख बिल्कुल गिर चुकी है, लापरवाही लगातार कर रहे हैं। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि जो RPSC अधीनस्थ बोर्ड में जो मेंबर के पद खाली हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, जिससे जो तानाशाही करते हैं उनके ऊपर लगाम लग सके, जल्द से जल्द कार्य हो सके। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि समय पर भर्तियाँ पूरी हो, लेकिन भर्तियाँ तभी पूरी हो पाएंगी जब सदस्यों की नियुक्ति होगी, इसलिए RPSC अधीनस्थ बोर्ड में रिक्त पदों की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए, और तानाशाही जो लापरवाही जो सामने आ रही है RPSC पे लगाम लगे। तो दोस्तों मुख्य जो AN भर्ती 2018 परिणाम के इंतजार करें, थोड़ा सा वेट करो, कोशिश कर रहे हैं इस महीने परिणाम आ जाए, यदि नहीं आता है तो जून में जैसे लॉकडाउन समाप्त होगा जब भी, तो हम सब मिलकर एक बार RPSC के बाहर धावा बोलेंगे, एक बार उन लोगों को अलर्ट करना होगा कि हाँ आपकी लापरवाही आपकी तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कि परिणाम उनको जारी करना होगा। और भी RPSC कई भर्तियाँ हैं, चाहे 2016 SI भर्ती 233 पदों पर लंबित है, चाहे 2016 SI भर्ती जो जिसकी इंटरव्यू बाकी है, 233 दूरसंचार के, लेकिन 2016 एक और जिसकी इंटरव्यू बाकी है, ज्वाइनिंग बाकी है, उसके लिए भी कई और भी हैं, चाहे साई कृषि अधिकारी भर्ती 2018, उन सबको हम सबको मिलकर एक बार धावा बोलना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारों को सबसे ज़्यादा परेशान RPSC की, उसकी लापरवाही परेशान करिए, क्योंकि RPSC बन के तो कैलेंडर जारी करें कि 2020 RS कब होगी, कब इनका परिणाम निकल जाएगा, कब जो कैलेंडर जारी करके कैलेंडर के अनुसार बेरोजगार को रोजगार देने का काम RPSC करे, और इस लापरवाही के खिलाफ हम सब मिलकर एक बार अजमेर RPSC का घेराव करके धावा बोलेंगे और अलर्ट करेंगे कि अब आपकी लापरवाही और तानाशाही नहीं चलेगी। इसके अलावा दोस्तों और वीडियो को लेकर, चाहे LDC पंचायत राज 2013 NMG ने भर्ती 2013, इस मामले में मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है, मैं खुद जब भी मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा कोशिश करूंगा, जो NM बहने हैं, GNM के भाई हैं और पंचायत राज LDC 10-29 पदों पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। कमरा किराए वाला मामला चल रहा है, मीडिया हमारा साथ दे रही है, सोशल मीडिया भी चल रहा है, इस मामले में मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना, मिलकर एक बार जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो इन चीज़ों को मजबूती से मैं रखूँगा, आप लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले। आप सबसे यही निवेदन है कि क्योंकि अभी कोरोना महामारी चल रही है, मैं भी इतना आपके लिए प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि न तो CM में अभी टाइम मिल रहा है, न मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पा रही, न हम धरना कर सकते हैं, न प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जितना सहयोग होगा घर बैठे अधिकारी से बात करके, CM से बात करके, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जो तमाम भर्तियों के जो मैंने लेटर पैड में लिख दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली, संज्ञान ली उन भर्तियों, जो हमने आवाज़ उठाई लगातार, जो हम प्रयास करें, प्रयास सफल होते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे बड़े प्रयास करना होगा जिससे समय पर भर्तियाँ हों और समय पर आपको रोजगार मिले। जय हिंद, जय भारत।